और ये बात मुझे मालूम है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बोलो क्यों गए थे उसके साथ? आपकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही जवाब देने का कोई वक्त। रुको समर, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। बगैर जवाब सुने मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बताओ समर, तुम क्या कर रहे थे वहाँ जीनत के साथ? मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ समर, मेरे सब्र का इंतहा मत लो। मुझे बताओ कि तुम जीनत के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अच्छा होगा कि ये सवाल आप अपनी बीवी जीनत से ही पूछे, क्योंकि एक मर्द के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है जिसे अपनी बीवी के बारे में किसी और से पूछना पड़े। लेकिन मैं तो भूल ही गया कि आपको तो शर्माती ही नहीं, क्योंकि अपने रिश्तों के बारे में आपको हमेशा दूसरों से ही पता चला है। आज जीनत के बारे में सवाल कर रहे हैं तो कल शायद ज़ारा के बारे में। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you say that? How dare you? मेरे गुजरे हुए कल के बारे में अगर एक लफ्ज भी और बोला ना समर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात मेरे और जीनत के रिश्ते की, तो जीनत ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम जानबूझकर जीनत के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तुम और ज़ारा मिलकर मुझसे सब कुछ तो छीन ही चुके हो। तब और क्या छीनना चाहते हो? क्यों पीछे पड़े मेरी खुशियों के? सर सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? रुक जाइए आप लोग, क्या कर रहे हैं? खुदा के वास्ते रुक जाइए। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। समर, ये सब क्या था? हमें क्या जरूरत थी आपको समर के साथ ये तमाशा करने की? समर को सबक